क्रिसमस पिट्ठा है, देख सकते हैं आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा 30 पीस 100 रुपीस में मिला है। ईयर में सभी ना कपड़ा ईयर बन गया क्या? वैसे हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हम लोग समझ नहीं आ रहे। बोलो सबको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सभी को हमारे तरफ से फिर से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 1 जनवरी। और अभी तो मैं दुकान से भी जाके वापस आ चुकी हूँ। मैं थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी चली गई थी दुकान, क्योंकि आज 12 बजे के बाद से दुकान बंद होने वाला था, इसके वजह से मैं गई और एक बस शर्ट सिल के वापस आ चुकी हूँ। तभी हम लोग का थोड़ा प्लानिंग हो रहा है दोस्तों का कि हम लोग कहीं नदी किनारे में जाके छोटा सा पार्टी जैसा करेंगे। तो पार्टी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, दिखाएंगे आप लोगों को कैसा वाला पार्टी होने वाला है। फिर भी हम लोग सोचे कि थोड़ा आज टाइम है और 1 तारीख है, तो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। तो अभी तो देखते हैं कितना समय तक जाएंगे, क्योंकि सबीना का तो अभी तक कपड़े बर्तन धो धो के टायर खत्म ही नहीं हो रहे, और मैं तो अभी जाके भी दुकान से आ चुकी हूँ। तो थोड़ा देर देखते हैं, फिर उसके बाद सबीना और हमारे जो 2 फ्रेंड है उन लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ और देखने को मिलेगा आप लोगों को। तभी चलते हैं पहले इधर। लाडो नहा चुकी है, हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। हैप्पी न्यू ईयर। तो लाडो का भी मुझे थोड़ा हेयर में ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहाई है तो इसको लगा के। यहाँ सबीना का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, सुबह से इतना काम करते करते आज इसका न्यू ईयर में सबीना कपड़ा ईयर बन गया क्या? कपड़ा बर्तन ईयर, वॉशिंग मशीन और बर्तन धोने वाला का क्या नाम निकला मशीन का? हाँ, बर्तन धोइंग मशीन। सुबह से सबीना एकदम इधर बस कपड़े धुलाई उलाई कर रही है। दबाव लगा देगा, ऑयल लगाना इसको। तो इधर मैं ऑयल ले चुकी हूँ, तब इसको ऑयल लगा दूंगी। और पूरा धूप में एकदम गर्मा गर्म सेकते हुए धूप सेकते हुए, और इसके बाल कितने जट्ठे लगे हुए। और ये आज लाडू भी पूरा नए नए कपड़े पहनी, एकदम गोल गोल घूम के दिखा दो। न्यू ईयर में एकदम नए नए ड्रेस पहन चुकी है, फ्रॉक एकदम येलो कलर का। और ये हमारी फ्रेंड एक आई है, लेकिन अभी ये बोल रही है थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, हीरोइन बन जाएगी तब जाएगी ना। तभी इसको थोड़ा वेट करने देते हैं, जब तक सबीना और ये और एक और है उन लोग नहीं आ जाएंगे। मैं तो आज सुबह सुबह नहा के एकदम मस्त फ्रेश। बात कुछ और है सबीना का, बात कुछ है पूजा का, बात कुछ और है सकीना का, बात कुछ और है, इसीलिए हो गया रहो। तब इसको तेल लगा देते, ये बाल झाड़ते हुए, और पूजा जी हमारी ब्लॉग बनाते हुए, और पूजा जी का वॉइस सुन के ही आप लोग फ्लैट मत होइएगा। फ्लैट नहीं, जो भी बोलते हैं फ्लैट 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 बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं सबीना। सबीना जी का तो मुस्कुराहट देख के आप लोग फ्लैट हो जाते हैं। चलो जंगली देश है ये, सुन के आप लोग फ्लैट मत हो जाइएगा। सबीना सबीना जब मुस्कुराता है ना, तो सब मेरा फैन लोग मुस्कुराने लगते हैं ना सबीना। इसके बाल बहुत ही ज्यादा, इसीलिए सबीना को दिखा, सबीना दिखा बोलते हैं ना। मुस्कुराओ ना, अब सबीना मुस्कुराते हैं तो सब मुस्कुराने लगते हैं, इसलिए बोलते हैं सबीना को दिखा सब। जिस दिन सबीना का चैनल खुलेगा उस दिन तो वायरल हो जाएगा पूरा स्माइल में। उसका चैनल नया वाला खुलेगा, वो कुछ बोलेगी नहीं, बस स्माइल स्माइल स्माइल। तो यहाँ लाडो का मैं पूरा हेयर अच्छे से कंघी भी कर चुकी हूँ और ऑयल भी लगा चुकी हूँ। तो अब थोड़ा मैं इसको मेकअप कर दूंगी, सोच रही हूँ इसके ये सुंदर सुंदर वाले आंखों में आईलाइनर थोड़ा लगा के आज इसको थोड़ा हीरोइन बना देते नए साल के दिन में, ठीक है? तो इसको थोड़ा आईलाइनर लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को, इसका आंख कितना सुंदर दिखता है आईलाइनर लगाने के बाद। तो यहाँ लाडो को मैं रेडी कर चुकी हूँ पूरा न्यू ईयर के दिन पे एकदम सुंदर से, और इसका आंख देख सकते हैं आप लोग। एक बार आंख नीचे बंद करो, एक बार आंख खोलो, एकदम आईलाइनर लगाने के बाद इसका आंख बहुत ही सुंदर दिखता है। तब थोड़ा हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं, और बातचीत में वो आज हमारे घर पे बहुत सारा ऑरेंज आया है, ऑरेंज खाएंगे यहाँ धूप में बैठ के, बहुत ही अच्छा लगता है ऑरेंज धूप में बैठ के खाने के लिए, और यहाँ का ऑरेंज और भी टेस्टी होता है। ये रहा ऑरेंज, आज भैया और अब्बू सुबह सुबह जाके बाजार से लेकर आए हैं कुछ इतने सारे ऑरेंज। इसमें भी है कुछ, तो एक में शायद 30 पीस 30 पीस है, तो ये 30 पीस 30 पीस 100 रुपीस में मिला है बस। तो एक का 100 था तो 200 का लेकर आया, तो इसमें से थोड़ा ले लेते हम लोग खाने के लिए धूप में बैठ के। हमारा मटन बच चुका था, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं की थी, तो अब 12 बज रहे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा भूख लग रहा है, इसके वजह से मैं सोची थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इधर रोटी, इधर मटन, और इधर चोखा भी मैं ली हूँ थोड़ा सिंपल के लिए। और हमारे साथ लाडो खा रही है आज ना। लाडो कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है? सुबह मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को हम लोग बहुत ज्यादा खा लिए थे चिकन मटन, तब खा लेते हैं इसको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब पिकनिक मनाने के लिए अपना छोटा सा, पता नहीं पिकनिक में क्या क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इधर हमारे साथ लाडू आ चुकी है, और सबीना घर बंद करके आएगी बोल रही थी, इसलिए चलते हैं हम लोग। हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में, उधर सबीना लाडो आ रही है, इधर बॉबी पूजा एकदम वेटिंग वेटिंग लिस्ट में है हम लोग का।
क्या हो गया? बॉबी पूरा गुस्से में है क्योंकि वो मुझे 10 बार से ज्यादा फोन की होगी। और इधर है सब लोग, देख सकते हैं बॉबी। हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, हैप्पी न्यू ईयर बोलिए। तुम भी सभी ने कंपनी के हैप्पी न्यू ईयर बोलते ही करके छोड़ देते हैं। पूजा बोल देगा हैप्पी न्यू ईयर बोलो पूजा। सब है करके छोड़ने वाला। हम क्या बोलेंगे? इसको बोला हैप्पी न्यू ईयर बोलो ना, है करके छोड़ दिया। क्या हो गया? हम लोग जा रहे हैं कुछ किनने के लिए। वैसे हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हम लोग समझ नहीं आ रहा कि हम लोग किनेंगे क्या। तो आप लोग पैसा गिन दो, कितना है ऊपर दिखा दो थोड़ा। 60 रुपीज है, 80 रुपीज होगा टोटल, 80 रुपीज होगा क्योंकि हम लोग 20-20 रुपीज कलेक्ट करके और थोड़ा पिकनिक जैसे पिकनिक। वैसे मतलब हम लोग नदी में जाके ऐसे बैठने वाले थे, फिर सोचे कि ऐसे बैठने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कुछ खाने के लिए ले लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। यहाँ से बॉबी लेने वाली है, बॉबी मालकिन बन रही है लेने वाली। जैसे कि आप देख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर भैया, नूर आपको भी नूर, आई मीन टू से हैप्पी न्यू ईयर। नूर बोले हमको समझ नहीं है नूर। क्या खेलेगा? ये वाला पसंद नहीं है ना हमको, तो ले लो एक। हाँ एक ले लो, सब कुछ ले लो ना एक एक। देखते यहाँ से क्या क्या बॉबी लेती है, क्योंकि पैसा भी तो ज्यादा है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा लेने के लिए ना। यहाँ से हम लोग कुछ कुछ खाने के लिए ले चुके हैं यहाँ, वो अब नदी में जाने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को कि हम लोग लिए क्या क्या है। वैसे हम लोग के पास रकम ज्यादा था ना, इसके वजह से हम लोग ज्यादा सामान लिए हैं। और क्या क्या लिए इसमें खाने के लिए, वो जाने के बाद ही देखने को मिलेगा आप लोगों को नदी में। खुड़के ही बन जाएगा, खुड़के का 21 मिलेगा नहीं ये सोचो लो। फिर से आई थी रिटर्न घर पे क्योंकि हम लोग कुछ सामान लेना भूल चुके थे। और वो सामान ये है कि हम लोग सोचे थे कि ऑरेंज बाद में खाएंगे, लेकिन ऑरेंज वहाँ बाद में खाए नहीं थे, तो सोचे थे जब सब लोग एक साथ होंगे तब खाएंगे। इधर ऑरेंज है और मैं पूरा दौड़ दौड़ के गई, पूरा थक गई। इधर ऑरेंज है और थोड़ा पीठा है। आज एक मेरी फ्रेंड मुझे पीठा दी थी, वो क्रिसमस का पीठा जो बनता है वो वाला, तो वो कुछ कुछ है तो अभी लेके चलती हूँ। यहाँ इन लोग वेट कर रहे हैं, इतना दोहराया है इन लोग, इतना दोहराया हमको, हम बोल नहीं सकते हैं। सब आराम से ब्लॉग देख रहे हैं मेरा कल वाला पिकनिक वाला ब्लॉग, और मुझे इतना दोहराया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के पास, लेकिन अभी नदी के पास हम लोग नहीं बैठने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं वो उधर जंगल की तरफ, क्योंकि उधर कोई नहीं रहेगा। तो आराम से अकेला बैठ के जितने लोग हैं इधर हमारे फैमिली में, उन लोग ही बस रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो चलते हैं उधर उधर जंगल की तरफ। और इधर मैं ट्राइपॉड भी ले चुकी हूँ, क्योंकि बाद में एक जन को वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एक जन नहीं आता, इसके वजह से मैं सोची आज ट्राइपॉड भी लेके चलते हैं। चलते हैं, कोई कोई हो भी सकता शायद। और ये नदी के जंगल के किनार किनार नदी के साइड साइड से जाएंगे हम लोग। हम लोग जंगल के अंदर भी आ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि कौन से जगह में बैठेंगे। वैसे देख रहे कि इधर उधर कहाँ बैठना है, डिसाइड किया? सबीना अपना ब्लॉग देख देख के बहुत ज्यादा हंस रही है। कैमरामैन फोकस करे सबीना के उधर। सबीना उसको हम रात को बोला ना हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए, लेकिन उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। और अभी वो अपना ब्लॉग देख देख के पूरा हंस रही है कि कैसा वीडियो बनाई है। देखते हैं अभी हम लोग ये बांस बाड़ी, देख सकते हैं आप लोग पूरा, ये बांस का पूरा बाड़ी है, खेती है मतलब। तो ये बांस बाड़ी के यहाँ सफाई थी, यहाँ ठीक लग रहा है, तो यहाँ ही बैठेंगे शायद। देखते हैं लोग कहाँ बैठने के लिए बोलते हैं। ठीक है ये जगह क्या, हम लोग यहाँ बैठने वाले थे लेकिन यहाँ का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ ठंडी लग रही है थोड़ा, इसके वजह से आप लोग इधर जाने वाला है। साउंड बॉक्स बजाओ, किसका कनेक्ट करो पूजा, इसका 5G है ना, एक है साउंड बॉक्स है। तो अभी इधर धूप की तरफ देखेंगे जाएंगे सोच रहे, पर ये नदी के किनारे हमारे जंगल है, हाँ वहाँ थोड़ा धूप है, वहाँ जाने वाले। अभी यहाँ फोटो शूट का तैयारी चल रहा है कि कैसा वाला पोस्ट मारे हम लोग। वैसे अभी बहुत फनी फनी वाला पोस्ट मारने वाले हैं। ये कौन सा पोस्ट निकाल रही है, ये वाला पता क्या है, ये पोस्ट निकाल रही है वो भी, देख सकते आप लोग, दिखाई भी नहीं देगा क्लियर। और थोड़ा गाना बज रहा है इधर, साउंड बॉक्स जो जलाए थे हम लोग को बज रहे। तो अभी हम लोग का यहाँ का फोटो शूट खत्म हुआ, तो अब समय है हम लोग जो कुछ खरीद के लेकर आए थे वो खाने के लिए। एक प्लास्टिक दो, और इधर टेंगा का प्लास्टिक खाएंगे, टेंगा का प्लास्टिक उधर में होगा। सबीना पूरा खाना खाने के लिए लेकर आई है, क्योंकि सबीना सुबह से खाना नहीं खाई, कल रात को पिकनिक में बहुत ज्यादा खाना खा ली थी इसके वजह से। और इधर हम लोग लेकर आए हैं गुड़ा मिर्चा और नमक, ये लो ये उसके लिए। इधर हम लोग ऑरेंज लेकर आए थे, और यहाँ जो मैं बोल रही थी पिठा, ये वाला पिठा भी हम लोग लेकर आए हैं। लोग किसको खाना है वो है क्रिसमस पिठा है, क्रिसमस पिठा है, क्रिसमस पिठा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो अभी हम लोग इसको खाएंगे, वैसे हम लोग बनाते तो ऐसा बनता नहीं है, फिर सोचे हम लोग थोड़ा इन लोग को भी टेस्ट करवा देते हैं कि कैसा है ये। एक एक टेस्ट कीजिए कैसा है। इसको किसको चाहिए, वेरी टेस्टी,
क्रिसमस पिज्जा इज वेरी टेस्टी। खाया तुम गोल वाला? तुम खाया गोल वाला? लो तो एक मेडल ही बच गया, तो मैं खा लेती हूँ इसको। तो यहाँ अभी चिप्स कुरकुरे सब फाड़ के मिक्स करेंगे हम लोग। कैसा लग रहा लाडो? आजकल हमारे ग्रुप में लाडो भी ऐड हो जाती है क्योंकि ये हम लोग का पीछा लगा रही है ना। क्या बोलते, पुआ बोलते है? तो हम लोग परी से छुप छुप के भागे थे कि परी नहीं जाएगी नदी के किनारे में, लेकिन परी को बर्दाश्त नहीं हुआ इसके वजह से। हाय कर दो परी। नहीं आ चुकी है, तो हमारे ग्रुप में और आदमी बढ़ चुका है अभी, तो ये पिकनिक का मजा और मजा आ रहा है। और ये देख सकते हैं हम लोग सब एक साथ मिक्स करके तोड़ो इसे, खाएगा सब इसे तोड़ के पूरा एकदम। परी खाएगा? परी कैसा लग रहा है? स्टॉप। और पहले हमारा घर यहाँ पे था एकदम नदी के पास, एकदम जंगल के सामने, लेकिन अब तो हमारा घर उधर चला गया एकदम आगे। पूजा का बेइज्जती कर रहे, पूरा बचपन याद दिला रहा है। नहाने के लिए भीग ही रह जाता तो वैसे ही अंदर। दोनों हमको भी कमला टेंगा रहे, खोल रहे पहना है क्या कपड़ा खोल रहे। ये ऑरेंज बहुत ही टेस्टी है, यहाँ से पेट फाड़ के ऊपर से होता है। एक तो खाना बनता है ये, आना यहाँ पर फिर पाली खाइएगा। आप खा लिया? सकीना सबीना जब सबका घर शादी हो जाएगा तो सब अपना एक एक घर बनाएगा। अपना पति बनकर सबकी वीडियो चलाएगी। हाय करे सकते, हाय करो सब। हैप्पी न्यू ईयर बोलो परी, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, बोलो। खाने में बिजी है सभी लोग, सकीना भुक्कड़ और मेरे चैनल वही क्लिप यहाँ लगा है। एक कौन लगाया मेरे क्लिप? भाभी लगाई है, वो भाभी लगाई है। इधर कौन है? संगीता भुखड़ नया ब्लॉगर आई है, बोलने वाली है। बोलने है प्रैक्टिस में है, इनका भी चैनल खुलने वाला है। न्यू ईयर का न्यू ईयर मनाते हुए ये रही पूजा यादव। पूजा को यादव बनाते ये रही सबीना खातून, ये रही कौन अनम खातून, ये अनम खातून, ये संगीता पटेल। संगीता पिल्ली, संगीता पिल्ली। इसका वाला नाम जब पढ़ते हो कैसा हंसते बता सबीना। ये देखिए इनके नाखून, नाखून दिखाई आपका। ये वीडियो भी अच्छा नहीं होगा। देखिए गाइस मेरी बेटी कहाँ जाते हैं। सॉरी ओ नया यूट्यूबर बन गया। बड़े ब्लॉगर बनेगी, इतना अच्छा अच्छा लाइन बोल रही। ये देखिए गाइस मेरी बेटी मेरे पुराने घर की ओर जाती, मेरे बचपन की यादों की ओर जाती। आजा परी, मेरा पापा याद में एक चीज है बस। ओ माँ, इतना कष्ट करके इधर से भी चला गया रहता, इधर से जा रहा है। सजना का पेड़, आप पेड़ हो ना टोनी का, कैसा लग रहा परी बता दो तो एक बार। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको, तब को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लग रहा है? टेस्टी लग रहा है, बोल दो। टेस्टी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? खा रहे क्या बोल रहा है? बाय, टेक केयर कर दो। हम खाने में बिजी है, बिजी है। परी का घर कहाँ पर बनेगा? जंगल में।
यहाँ अपना पिकनिक खत्म हुआ, सब खाली हो चुका है पैकेट। अब हम लोग जाने वाले हैं घर, क्योंकि ये नदी किनारे शाम हो जाएगा। शाम को इधर रहना अच्छी बात नहीं है, इसके वजह से सब लोग जाएंगे। चलो पड़ी पड़ी जा रहे, पड़ी सबसे पहले साउंड बॉक्स पकड़ के लेके जा रही है। तो किधर से जाएगा? इधर से जाएगा, दो रास्ता है, इधर से जाएगा ना, इधर से जाने वाले हम लोग। वैसे इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से जाएंगे। तब समय है डिनर बनाने का। वैसे आज हम लोग दिन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए उधर अपने फ्रेंड लोग के साथ जाके। फिर अब चलते हैं डिनर बनाने के लिए, और डिनर बहुत ज्यादा चिकन मटन खा के पूरा एकदम मन एकदम कैसा हो गया, एकदम चिकन मटन बिल्कुल भी खाने का मन नहीं जा रहा। तो अभी मुझे बनाना होगा सिंपल सा कुछ खाना। तो देखते हैं सिंपल सा खाना में क्या बनाती हूँ मैं, और दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ मैं इतना सोचते सोचते फाइनली डिसाइड की हूँ कि आज एकदम सिंपल सा मटर और आलू की फ्राई बनेगा। इधर कुछ इतने सारे कल के प्याज बहुत ज्यादा बच चुके थे, और इधर पानी हो चुका है तब मुझे आटा सानना होगा। ये तो हो चुका है, ये सभी ना फ्राई कर देगी अभी इसको। चलती हूँ मैं आटा सानने के लिए। यहाँ अपना डिनर बन के रेडी हो चुका है, आलू मटर का फ्राई और इधर रोटी। तब चलते हैं डिनर करने के लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। और ये मटर आलू का फ्राई तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है देख के। तो आज के ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।